नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी को मारे यूट्यूब चैनल माता घणो घणो स्वागत अने अभिनंदन करो। दोस्तों, आपने पतो वेला कि मैं आप सभी रे लिए राजस्थान री भाषा रे महीने राजस्थान रो जीके जिणा महीनो पे राजस्थान री क्लास संस्कृति रे बारे में, राजस्थान रे इतिहास रे बारे में, राजस्थान रे भूगोल रे बारे में विस्तारू जानकारी लेवा। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान रे इतिहास रे माते और इतिहास रे महीने अपनो टॉपिक जारी हो राजस्थान रा प्रमुख राजवंश। राजस्थान रे प्रमुख राजवंश और महीनों पे बात कर रहे हैं चौहान राजवंश रे बारे में। किन राजवंश रे बारे में? चौहान राजवंश रे बारे में, चौहान राजवंश रे बारे में, चौहान वंश रे बारे में, चौहान वंश रे बारे में काले पे बात करी भी कि स्वान वंश री किन प्रकार उत्पत्ति हुई। स्वानों ने विदेशी किण ने बताया और देशी किण ने बताया। तो स्वान वंश री किन प्रकार उत्पत्ति हुई और स्वान वंश री उत्पत्ति संबंधित आप विदेशी सिद्धांत भी देखे और जो अपने इतिहासकार है बिड़ ने स्वान और उत्पत्ति रे लिए की सिद्धांत या बिड़ सिद्धांत के बारे में बात करी कि स्वान शब्द सहमान शब्द रो अपभ्रंश है। सहमान शब्द रो बात करी सापकार सा का होता है साप। सहमान शब्द चार शब्दों के मेल से बना है। सा का मतलब चाप, अ का मतलब हरी, मान का अर्थ था मान और न का अर्थ था नीति मान। चहमान शब्द से सुहान शब्द बना है। इसका प्रमाण किससे मिलता है? इसका प्रमाण बात करी कि विजय पृथ्वीराज विजय जनक भट्ट जी ने ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ के अंदर बताया है कि सोहन वंश सहमान शब्द का अपरंश सोहान होता है। उन आगे बात करी सोहन वंश री उत्पत्ति रे बारे में, सिद्धांतों के बारे में बात करी कि सोहन वंश रा सिद्धांतों रे महीने पे पहले सिद्धांत रे बारे में बात करी जो हेंगो पॉपुलर है, यानी स्वान वंश रे महीने जो सब महत्वपूर्ण है। बिन सिद्धांत रे बारे में बात करी तो बिन सिद्धांत रो नाम है अग्निकुंड सिद्धांत। किणने दियो अग्निकुंड सिद्धांत? पृथ्वीराज स्वान रा खास मित्र जिन रो नाम चंद्रबरदाई और चंद्रबरदाई जी ने एक ग्रंथ लिखियो बिन ग्रंथ रो नाम पृथ्वीराज रासो रे महीने चंद्रबरदाई ने कहो है कि स्वानों री उत्पत्ति अग्निकुंड हुई है। और अग्निकुंड रो कई मामलों वहां पे काले बात करी कि एक मुनि रहता आबू पर्वत रे माते, आबू सिरोही रे महीने एक मुनि रहता। बिन मुनि ने एक यज्ञ करवायो, बिन यज्ञ चार पुत्र प्राप्त हुआ। उन पुत्र सोहान, प्रतिहार, सोलंकी और प्रमार, चार जातियां प्राप्त हुई। चौहान प्रतिहार प्रमार और सालुकी या सोलंकी रामायण सब महत्वपूर्ण जाति है। चौहान सब योद्धा था। बिनु आगे बात करी कि स्वानों ने सूर्यवंशी किण ने बताया। स्वानों को सूर्यवंशी किसने कहा पे बात करी कि स्वानों ने सूर्यवंशी अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का एक ग्रंथ है। बिन ग्रंथ रामायण स्वानों को क्या बताया? स्वानों को सूर्यवंशी बताया है। और इंद्रो सहयोग यानी इंद्रो समर्थन क्यों है? जीएस ओझा ने, गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने इन बात रो समर्थन क्यों है कि स्वान सूर्यवंशी है। उन आगे यहाँ पे बात करी कि स्वानों ने चंद्रवर्ती किरण ने बताया। स्वानों ने चंद्रवर्ती किरण ने बताया है आबू एक शिलालेख प्राप्त हुए है। बिन शिलालेख रो नाम आबू शिलालेख या असलेश्वर शिलालेख। इन शिलालेख रे महीने सोहानों ने संदर्भवर्ती बताया है। वीणु आगे बात करो कि स्वानों ने ब्राह्मण किसने बताया, यानी स्वानों को ब्राह्मण किसने कहा है? तो स्वानों को ब्राह्मणों पे बात करी तो स्वानों को ब्राह्मण डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने स्वानों को क्या बताया? ब्राह्मण बताया गया है, बताया। वीणु आगे बात करी कि स्वानों ने स्वानों को वचते गोत्र ब्राह्मण किसने बताया? तो स्वानों को वचते गोत्र ब्राह्मण बिजुलिया शिलालेख जो मंडलगल भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ, उस शिलालेख के अंदर स्वानों को वस्ते गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। वीणु आगे बात करें यहाँ पे विदेशी सिद्धांत के बारे में चार सिद्धांत देखा। चार जातियां महत्वपूर्ण पर सामने आई, शक सीतियन और हुण कुषाण। किन्ने क्यों है? स्वानों को शक और सीतियन कर्नल जेम्स टोडल ने बताया है। स्वानों को हुण किसने बताया? वी ए स्मिथ
जिस वी स्मिथ ने स्वानो को क्या बताया, स्वानो को उन बताया, उन बाद में बात करी अलेक्जेंडर किनिंगम ने, अलेक्जेंडर किनिंगम ने सोहानो को, अलेक्जेंडर किनिंगम ने स्वानो को क्या बताया, कुसान बताया, कुसान बताया। उन बाद में मैथो ने एक नोट लगा लिखा, नोट लगा कर लिखाया था, नोट लगा कर लिखाया था कि सोहानो की खजर जाति, सोहानो की एक जाति है खजर जाति, खजर जाति से सोहानो की उत्पत्ति किसने मानी है, सोहान जाति की खजर से उत्पत्ति किसने मानी है। तो अभी बात करी डॉक्टर डी आर भंडारक ने, डी आर भंडारक ने सोहानो की जाति यानी सोहानो को खजर का वंशज बताया है, सोहानो को खजर का वंशज, खजर जाति का वंशज बताया है। तो अभी बात करी काले आज पे आगे बात करो सोहानवंशरी विधि विधान शुरुआत करो कि सोहानवंशरी स्थापना करने की, सोहान वंश के संस्थापक के बारे में बात करो, संस्थापक चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान सोहान वंश की स्थापना करने की वासुदेव चौहान ने कब की के बारे में बात करो तो 551 ईस्वी में। और इन बारे में किन आधार में तो कह सको कि सोहान वंशरी तो वासुदेव चौहान ने की है, तो जानकारी मिले अपने शिलालेख, जिन शिलालेख नाम है बिजोलिया शिलालेख रे मायने सोहानो वासुदेव चौहान ने सोहान वंशरो मूल पुरुष आदि पुरुष के, मूल पुरुष एवं आदि पुरुष किसे कहते हैं, वह व्यक्ति जो अपने वंश की शुरुआत करता है, वह व्यक्ति जो अपने वंश का प्रथम व्यक्ति, अपने वंश का प्रथम व्यक्ति या अपने वंश की जो शुरुआत करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, आदि पुरुष या मूल पुरुष। अबे बात करो राठौड़ों का मूल पुरुष रावसिया और कसवाओं का मूल पुरुष तेजकरण या दुल्हे राय और आदि पुरुष या मूल पुरुष के बारे में बात करो कि सोहानो और आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन है, मूल पुरुष किसे कहते हैं, वासुदेव सोहान को कहते हैं। उससे आगे बात करो तो सोहान वंशरी कुलदेवी जो अजमेर यानी सोहान वंश की स्थापना किन स्थान रे माता की स्थान रे बारे में बात करो तो सपाल दक्ष जिसे वर्तमान में सांबर कहते हैं, सपाल दक्ष नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सवा लाख गांवों के समूह को क्या कहते हैं, सपाल दक्ष कहते हैं। तो सवा लाख गांवों रे समूह बीस समूह के बीच में वासुदेव चौहान ने सोहान वंश की स्थापना की और इन्हीं स्थान रे माता आपने कुलदेवी रो मंदिर बनाये, कुलदेवी रो नाम साकंभरी माता मंदिर का क्या करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया और इन्हीं सपाल दक्ष रे माता आपकी कुलदेवी, सपाल दक्ष रे में आपने कुलदेवी जिनो नाम है साकंभरी माता और साकंभरी माता मंदिरों निर्माण करवायो और आपने जो प्रथम राजधानी बनाई बिन राजधानी के बारे में बात करो तो प्रथम राजधानी अहिसत्रपुर प्रथम राजधानी यानी सोहानो की प्रारंभिक राजधानी के बारे में बात करो तो राजधानी सोहानो की प्रारंभिक राजधानी अहिसत्रपुर जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं अहिसत्रपुर जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं सोहानो की प्रथम राजधानी है। उससे आगे बात करो सांबर झील का निर्माण करवाया और सांबर झील के अंदर एक तीर्थ स्थिल है, तीर्थ जिसे देवयानी तीर्थ का उपनाम बारे में बात करो तो तीर्थों की नानी कहते हैं। अब इससे संबंधित जो तीर्थों की नानी, तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा, तीन इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साइड में बॉक्स बना के इसको लिख लो
तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, तो तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर के अंदर पड़ता है, तीर्थों का क्या कहते हैं, भांजा कहते हैं। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को कहते हैं, पुष्कर अजमेर को तीर्थों का मामा कहते हैं। और तीर्थों की नानी अब बात की देवयानी को तीर्थों की नानी कहते हैं। देवयानी स्थान सांभर के अंदर पड़ता है, ये देवयानी स्थान पड़ता है। तो बात करी स्वान वंश के बारे में, स्वान वंश संस्थापक वासुदेव स्वान कब 551 ईस्वी में स्वान वंश की आरंभिक राजधानी अस्तरपुर नागौर और स्वान वंश वासुदेव स्वान ने अपनी माता अपनी कुलदेवी जिनमें बारे में बात करी शाकंभरी माता और मंदिर पहले स्थान माता बनवाए सपाल दक्ष सांभर के अंदर मंदिर का निर्माण करवाया। अब बात करी वासुदेव चौहान के बारे में और जो स्वान वंश कुलदेव संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, मैंने थोड़े लोक देवी जिन टाइम में आपने पढ़ाई भी मैं बात करी कि स्वान वंश कुलदेव किन प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछे जावे और किन प्रकार प्रश्न और उत्तर देने में सक्षम रहना है। स्वान वंश कुलदेव संबंधित चार प्रश्न पूछे जावे और चार प्रश्नों का उत्तर अलग अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम के अंदर। जैसे सीधा पूछा जाए कि चौहान वंश की कुलदेवी किसे कहते हैं, तो आंख मीच की उत्तर देना है झीण माता। चौहान वंश की कुलदेवी एग्जाम के अंदर सीधा पूछा गया कि चौहान वंश की कुलदेवी किसे कहते हैं, तो झीण माता को कहते हैं। न ही पर्टिकुलर किसी स्थान का नाम दिया है, यानी जैसे कहा नहीं है कि अजमेर में स्वान वंश कुलदेवी, आगे किसी स्थान का नाम नहीं है, तो डायरेक्ट ही करना अपन झीण माता। उससे आगे बात करो तो रणथंभौर हमीर हट तिलिया तेर सड़ैन दूजी बार, तो रणथंभौर में सोहान वंश, सांभर में सोहान वंश की और अजमेर में सोहान वंश की कुलदेवी में किस वंश की, सोहान वंश की बात कर रहा हूँ, सोहान वंश की कुलदेवी। तो इसके अंदर शाकंभरी माता हो जाएगा। रणथंभौर सांभर अजमेर में सोहान वंश की कुलदेवी कौन है, शाकंभरी माता का मंदिर सपाल दक्ष सांभर के अंदर इस मंदिर का निर्माण वासुदेव स्वान जी ने करवाया था। उससे आगे बात करें तो आप नाडोल में भी आपको पता होगा सोहान वंश थे, नाडोल जालोर और पाली के अंदर सोहान वंश की स्थापना किसने की, सोहान वंश की कुलदेवी कौन है, तो सोहान वंश की कुलदेवी आशापुरा माता हो जाएगा। हाड़ा चौहान वंश की कुलदेवी जो हाड़ोती के अंदर कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के अंदर जो पड़ता है हाड़ोती वंश, इसके अंदर बदाना माता। तो चौहान वंशों पर बात करी कि स्वान वंश रे जो लोक देवी है, लोक देवी संबंधित चार प्रश्न पूछा जाए और चार प्रश्नों का उत्तर अलग अलग है। सोहान वंश की कुलदेवी झीण माता, अगर एक दियुड़ है कि रणथंभौर में सोहान वंश की स्थापना या अजमेर में सोहान वंश की कुलदेवी कौन है, तो हो जाएगा शाकंभरी माता। नाडोल में या पाली में या जालोर में सोहान वंश की कुलदेवी कौन है, तो हो जाएगा आशापुरा माता। उससे आगे बात करो तो हड़ा वंश में यानी हड़ोती में सोहान वंश री कुलदेवी कौन है, तो सोहान वंश की कुलदेवी है। चौहान वंश की कुलदेवी कौन है, सोहान वंश की कुलदेवी है बदाना माता। ये था अपना वासुदेव स्वान जी जो महत्वपूर्ण है, स्वान वंशरा प्रथम राजा वासुदेव बाद में आवे दुर्लभ राज फर्स्ट में दो बात याद रखनी है,
क्यों दुर्बल राज्य समय एडो कयो जावे प्रमाणिक तिथि नहीं मिले एडो कयो जावे। राजस्थान अधिकांश इतिहासकार भी माने कि दुर्बल राज्य समय राजस्थान में प्रथम जोर हुआ था। दुर्बल राज्य समय राजस्थान में प्रथम शाखा हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम शाखा राजस्थान का किस स्वर में दुर्बल राज्य की हुआ था, लेकिन इसका लिखित में प्रमाण नहीं है, इस कारण इसको प्रमाणिक नहीं माना जाता है। प्रमाणिक कौन सा माना जाता है? राजस्थान का प्रथम शाखा जो 11 जुलाई हमी हट त्रिया तेन छड़े ने दूजी बार 1301 ईस्वी में हुआ था हमीर के टाइम में, लेकिन ये इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके ऊपर आक्रमण दुर्बल राज के ऊपर मुसलमान शासकों ने मुस्लिम आक्रमण के कारण यहाँ की महिलाओं ने जोहर किया था। जोहर यानी यहाँ के शासकों ने केसरिया किया और यहाँ की महिलाओं ने क्या किया? जोहर किया। तो राजस्थान का प्रथम शाखा कुछ इतिहासकार मानते हैं, लेकिन यहाँ प्रमाणिक नहीं है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर प्रमाणिक नहीं है, इस कारण इसको राजस्थान का प्रथम शाखा नहीं माना जाएगा। अधिकांश इतिहासकारों के द्वारा किया जाता है, लेकिन मानक पुस्तकों के अंदर इसका प्रमाण नहीं होने के कारण इसको हम राजस्थान का प्रथम शाखा नहीं मानते। एक ही बिंदु याद रखना है थोने कि दुर्बल राज्य समय मुस्लिम आक्रमणकारी हुए तो दुर्बल राज्य आगे आवे गुवक प्रथम। दुर्बल राज के बाद में आते हैं गुवक प्रथम। दुर्बल राज के बाद में शासक आता है, उस शासक का नाम है गुवक प्रथम ने आपको पता है आप बात की झीण माता रे बारे में बात करी कि झीण माता रे भाई और बहन भाई नाम हर्ष हो तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम ने किया। और ये मंदिर रेवासा सीकर के अंदर बनाया है, रेवासा सीकर जहाँ पर झीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर बनाया है। और इसको क्या कहती है? चौहान वंश का लोक देवता किसे कहते हैं? तो सोहान वंश का लोक देवता हर्षनाथ को कहते हैं। हर्षनाथ झीण का भाई। सोहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक। ओ बड़का ही डपो है मारता। सोहान वंश स्वतंत्र शासक कि सोहान वंश की स्थापना तो बात करी कि वासुदेव सोहान ने की, पर बिनु लेकिन वो केड़े अधीन की अधीन स्वतंत्र नहीं है। सोहान स्वतंत्र नहीं है। बिन टाइम सोहान और माते वसुदेव सोहान जब सोहान वंश की स्थापना करी तो बिन टाइम सोहान और माते गुर्जर प्रतिहार वंश रो अधिकार। तो प्रारंभिक समय में जो सोहान वंश तो सोहान वंश स्वतंत्र न तो सोहान वंश रे माते गुर्जर प्रतिहार वंश रो शासक यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के ये सामंत हुआ करते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के सोहान क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे यानी उसको कर वर दिया करते थे। उन्होंने बाद में जब गुर्जर प्रतिहार वंश रे महीने शासक आयो बिन शासक का नाम है नागभट्ट द्वितीय के समय में ये जो गुवक प्रथम है ये गुवक प्रथम क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। यानी सोहान वंश नागभट्ट द्वितीय के काल में नागभट्ट द्वितीय के समय में सोहान वंश क्या हुआ? अब सोहान वंश सामंत है, वो सामंत से राजा बन गए, सोहान से राजा बन गए। यानी गुर्जर प्रतिहारों के अधिपति से जो गुर्जर प्रतिहारों का इसके ऊपर जो अधिपति था अधिपति से क्या हुआ? स्वतंत्र हो गई। तो सोहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक और किसके शासन का गुर्जर प्रतिहार प्रारंभिक में सोहान किसके
स्वान किसके अधिपति के अंदर थे, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के अधिपति, गुर्जर 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 प्रतिहार प्रतिहार वंश के अंदर, प्रतिहार वंश के अंदर काम करते, यानी इसके सामंत थे, इसके सामंत थे। गुवक प्रथम के बाद में आते हैं, गुवक प्रथम के बाद में आते हैं चंदन राज गुवन प्रथम के बाद चंदन राज आते हैं। चंदन राज शासन काल में दो बातें महत्वपूर्ण याद रखनी है, चंदन राज के शासन काल में दो बातें महत्वपूर्ण याद रखनी है दो बातें, यानी स्वान वंश प्रथम शासक ने दिल्ली की ओर कूच किया, नहीं दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। स्वान वंश का प्रथम शासक जिसने दिल्ली के तोमरों को हराया, दिल्ली पर अधिपति नहीं किया था, अधिपति करने वाला पहला राजा विग्रहराज चतुर्थ, लेकिन दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित किया, दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित किया। और इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था रुद्राणी या आत्म प्रभा योगिनी, रुद्राणी आत्म प्रभा, इसके अन्य नाम है आत्म प्रभा, इसको सबको एक साथ नहीं पढ़ना, रुद्राणी आत्म प्रभा और कहते योगिनी। अब कोला की मारता पत्नी रूना में की कारण याद रखो तो इन रूपी से बात है कि सांबर जीदरे यानी साम पुष्कर जीदरे पुष्कर सरोवर में जो पुष्कर सरोवर के पास 10,000 दीपक जलाने की जो दीपदान की प्रक्रिया किसने शुरू की थी, दीपदान की प्रक्रिया 10,000 दीपक जलाकर पुष्कर सरोवर पर दीपदान प्रक्रिया शुरू की, दीपदान प्रक्रिया। एग्जाम के अंदर पूछा गया कि पुष्कर सरोवर के पास दीपदान की प्रक्रिया किसने शुरू की, यानी पुष्कर झील के अंदर दीप सरोवर जो दीपदान की प्रक्रिया किसने प्रारंभ की, तो स्वान वंश का शासक जिसका नाम संदन राज और संदन राज की पत्नी जिसका नाम रुद्राणी योगिनी या आत्म प्रभा ने पुष्कर सरोवर में 10,000 दीपक दान करके दीपदान प्रक्रिया प्रारंभ की। इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, बड़े लेवल के एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। गुवक प्रथम के बाद चंदन राज के बाद आता है शासक वागपति राज प्रथम स्वान वंश पहलो शासक जिन्होंने कोई उपाधि धारण की है, तो उपाधि के बारे में बात करो तो महाराज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्हें बाद में आता है सिंह राज ने परम भट्टारक महाराज धीराज सिंह राज आता है। इसके बाद में सिंह राज आता है, वागपति प्रथम रे बाद में स्वान वंश में शासक आवे जिन शासकों नाम है सिंह राज प्रथम री उपाधि है परम भट्टारक महाराजा धीराज केंद्रीय उपाधि सिंह राज इम्पोर्टेंट नहीं। उन्होंने आगे बात करो विग्रहराज द्वितीय ने सालुक्य राजा विग्रहराज द्वितीय ने चालुक्य शासक मूल राज प्रथम को हराया और उपाधि धारण की बिन उपाधि नाम है खुर
उपाधि धारण की खुर रजो अंधकार, खुर रजो धंकार, खुर रजो अंधकार उपाधि धारण की, खुर रजो अंधकार, खुर रजो अंधकार उपाधि धारण की कहने की विग्रह राज्य द्वितीय ने, विग्रह राज्य द्वितीय ने, विग्रह राज्य द्वितीय बचे छोटे छोटे शासक आए जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने बाद में गोविंद द्वितीय, गोविंद द्वितीय वागपति द्वितीय, वागपति द्वितीय बाद पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम रे संबंध, पृथ्वीराज प्रथम रे शासन काल में एक महत्वपूर्ण बात है वो आपने याद रखनी है। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम रे शासन काल में एक महत्वपूर्ण बात है वो तुम्हें याद रखनी है। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम रे शासन काल में एक महत्वपूर्ण जानकारी, जानकारी मिले, महत्वपूर्ण जानकारी मिले। अल्लट चौहान, अल्लट मोहित, अल्लट मोहित, मोहित मोहित अल्लट ने, मोहित अल्लट ने, मोहित अल्लट ने जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया। जीण माता मंदिर के, जीण माता मंदिर का क्या क्या करवाया, निर्माण करवाया, निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। तो अभी बात करी स्वान हंस रे बारे में, जो छोटा छोटा राजा था अभी बारे में बात करी, वासुदेव शुरू कर और आज भी बात करी पृथ्वीराज प्रथम तक, पृथ्वीराज प्रथम तक बीण आगे बात करो ला। काले अपे जो बड़ा बड़ा राजा है बीण बारे में बात करो ला, अपे काले विस्तार करो ला। अजय राज रे बारे में, अजय राज किन प्रकार अपनी राजधानी अजमेर बनावे, अजमेर की स्थापना किन प्रकार करे, किन प्रकार अजमेर दुर्ग निर्माण करे। आज ली बचतरोई रामरागर थोरे मारे द्वारा प्रयास की राजस्थान री भाषा ने महीने जो राजस्थान जी के लाए प्रयास रे महीने अगर थोरे पसंद आवे मारो प्रयास तो मारे YouTube चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो और इन प्रकार मैं आप रे लिए नवा नवा वीडियो लाता रहूंगा। राम राम, जय हिंद।